नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज रिलीज हुई दूसरी फिल्म भूत द हॉन्टेड शिप के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ जानने वाले हैं इस फिल्म का बजट कितना है, इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कितने करोड़ की कमाई करनी होगी, और क्या ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शुभ मंगल ज्यादा सावधान को टक्कर दे पाई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों इस हफ्ते इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई है, जिसमें एक फिल्म है भूत द हॉन्टेड शिप। दोस्तों बता दें आपको कि विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर की फिल्म भूत की कहानी एक ऐसे शिप की कहानी है जो कई सालों बाद अचानक समंदर के किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। शिप में कोई भी इंसान नहीं रहता और यही बात हैरान कर देती है। इसके बाद शुरू होता है डर का गेम। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म में विक्की कौशल ने एक ऑफिसर का किरदार निभाया है और उनका साथ दिया है इस फिल्म में भूमि पेडनेकर ने। इस फिल्म के डायरेक्टर है भानु प्रताप सिंह। वही दोस्तों इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शन, जो कि इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म भूत के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों बता दें आपको कि आज इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, और इस फिल्म का क्लेश हुआ है शुभ मंगल ज्यादा सावधान से। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर स्क्रीन तो थोड़ी कम मिली है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हम लोग इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी वो रही है 25-30% की, जो कि आज रिलीज हुई फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान की फर्स्ट डे ऑक्यूपेंसी के बराबर है। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को महाशिवरात्रि के पर्व का फायदा मिल रहा है। यही वजह है कि इस फिल्म की जो एडवांस थी वो हो चुकी थी लगभग 1,90,00,000 रुपए की, जो कि शुभ मंगल ज्यादा सावधान के एडवांस बुकिंग से थोड़ा कम है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हम लोग इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। ये फिल्म एक काफी अच्छी हॉरर फिल्म बताई जा रही है, जिसमें उरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म कर चुके विक्की कौशल ने काफी लाजवाब काम किया है। वहीं उनका साथ देने के लिए दोस्तों इस फिल्म में भूमि पेडनेकर और आशुतोष राणा ने भी काफी अच्छा काम किया है। इसी वजह से दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की पहली चॉइस बन सकती है। अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों मॉर्निंग में इस फिल्म को काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी मिली, साथ ही में इस फिल्म की एडवांस भी काफी अच्छी थी। यही वजह रही दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7.5 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल रही। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म 2020 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हुई। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को वर्सेस मार्केट में भी काफी अच्छी स्क्रीन काउंट मिला है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म का जो पहले दिन का ओवरसीज से कलेक्शन है वो लगभग 2 करोड़ रुपए का आ रहा है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने पहले दिन लगभग 13 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 2020 की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर साबित हो रही है। इस तरह से दोस्तों लगभग 50 करोड़ के बजट से बनने वाली ये फिल्म अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट ओपनिंग ले चुकी है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हम लोग इस फिल्म के हिट और सुपरहिट वर्डिक्ट के बारे में, तो दोस्तों बता दें आपको इस फिल्म का बजट है 50 करोड़ रुपए, जिसमें इस फिल्म को बनाने में लगे हैं लगभग 40 करोड़ रुपए। वहीं 10 करोड़ रुपए इस फिल्म के प्रिंट प्लस प्रमोशन में लगे हैं। इस हिसाब से इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी। सुपर हिट होने के लिए कमाने होंगे लगभग 80 करोड़ रुपए। वहीं अगर ये फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर देती है, तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग भी हासिल कर सकती है। दोस्तों बता दें आपको कि इससे पहले विक्की कौशल की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो विक्की कौशल की इस फिल्म को भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करनी होगी, तब जाकर विक्की कौशल का जो सुपर स्टारडम है वो बरकरार रहेगा। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।